राधापुरम निवासी युवती ने लगाया कान्हा हाइट्स निवासी युवक दीपक चतुर्वेदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, जिसकी शिकायत करने आज पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां युवती द्वारा बताया गया कि दीपक चतुर्वेदी 6 वर्ष पूर्व से ही उनके यहां आना जाना है। इसी दौरान दीपक चतुर्वेदी ने पीड़िता से विवाह करने के लिए कहा। युवती द्वारा विवाह के लिए राजी हो जाने पर युवक द्वारा पीड़िता से शारीरिक संबंध बना लिए और मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए और इसी के आधार पर वह लगातार पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। इसी दौरान पीड़िता के गर्भवती हो जाने पर दीपक और उसकी महिला मित्र द्वारा नशीली दवा खिलाकर बेहोशी की हालत में पीड़िता का गर्भपात करा दिया। पीड़िता द्वारा बार बार विवाह की कहने पर युवक द्वारा उसे शादी का आश्वासन देकर पीड़िता का मकान भी बिकवा दिया और सारे रुपए हड़प लिए गए। जब इसकी शिकायत द्वारा की गई, उसके बाद माता पिता को भी की गई तो माता पिता ने भी पीड़िता को धमकाते हुए वहां से भगा दिया। इस संबंध में पीड़िता के द्वारा 6 जनवरी को गोविंद नगर थाने में तहरीर दी गई, परंतु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई होने का कारण पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। पत्रकार नाम का दीपक चतुर्वेदी है, वो थाना हाइस में रहता है, चौथी बिल्डिंग पे। और उसने मेरे साथ पहले तो जबरदस्ती किया, फिर उसने मेरी वीडियो बनवा ली। वीडियो बना के फिर मुझसे जबरदस्ती करता रहा। अगर तूने इसके बारे में बताया तो मैं सबको बता दूंगा पब्लिक में। आपके संपर्क में कैसे आया दीपक? दीपक ने एक मेरा छोटा सा काम करवाया था, पत्रकार है ना, तो उसी एक इसमें मेरा केस डलवाया था, तो इसने डलवाया था और वो वकील भी गवाही दे देता, तो इसने ही डलवाया था वो केस भी, तो उसने मेरी मदद की थी। तो मैं अकेली रहती थी, तो इसने उस अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाया, मेरे साथ जबरदस्ती की और इसने वीडियो बना ली। ये 6 साल हो गए। नहीं 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 नहीं, शादी का झांसा करता रहा ये कह रहा, तो अब तुम्हारी भी शादी नहीं है, मेरी भी हो नहीं, मेरी भी नहीं है, मैं तुमसे शादी करूँ।